तो सुरभि, हाँ तुम्हारे लिए सरप्राइज है, एक बढ़िया वाला करवा चौथ का गिफ्ट। करवा चौथ का गिफ्ट? हाँ देखना, कुछ फुद्दू सा मत ले आना, मैंने ये तो देख लिया कहाँ लेके आयो। हाँ चलो चलो दिखाते हैं। हाँ। क्या है? तो कुछ भी नहीं है। ये जो सामने खड़ी है ये? यस। तुम मुझे ऑडी गिफ्ट कर रहे हो? हाँ। सीरियसली? और क्या, मजाक कर रहा हूँ क्या? चलो मैं देख लेती हूँ, पहले मैं दीपक से थोड़ा बात करती हूँ, फिर आप क्या से बात करो। तो हो गई सही में? हाँ मेरे आंसू आ गए, रुको फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो ये दीपक टेस्ट ड्राइव के लिए लाया है, और इसका हम बैकग्राउंड बताते हैं कि हमारा टारगेट, एक्चुअली दीपक का टारगेट था कि आज के दिन ये मुझे गिफ्ट करता, मतलब कल है करवा चौथ, लेकिन वो नहीं कर पाया। उसका बैकग्राउंड के लिए आप हमारा वीडियो देख लो, क्या हुआ है, क्या हुआ है। और उसके बाद टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस जो है, वो जो सीरीज चल रही है वो तो हम दिखाएंगे। पर मैं एक्चुअली ना, अगर आपको वो वाला भी सरप्राइज मिलता है ना, फॉल्स सरप्राइज, वो भी अच्छा लगता है। अच्छा लगा मुझे। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग, पहले थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता देते हैं, हम लोग जैसा कि आप देख रहे हो, एक हमारी कार जो खरीदने वाले हैं उसकी सीरीज चल रही है, और एक घर खरीदने वाली सीरीज, राइट? और हम लोग आज अपना फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, सब कुछ जो है वो शो करेंगे इस वीडियो में। कि जर्मनी, वैसे तो हम लोग हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जर्मनी के बारे में, और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए, मतलब अभी हम लोग रिसेंटली बहुत ज्यादा फिगर आउट किया है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, टॉर्चर भी बहुत है यार। हाँ, कसम से। तो ये वाला कौन सा है दीपक? ये गाड़ी का है, हमें मतलब एक कार का हम टेस्ट ड्राइव की प्लान कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, और साला टेस्ट ड्राइव नहीं मिल पा रही। उसके इतने चोचले हैं, कभी रिप्लाई नहीं, कभी रिस्पॉन्स नहीं, कभी कोई छुट्टी पे है, कभी कुछ। हमने सोचा आज चलो रेंडमली जाके देख कर आते हैं क्या है, उनसे वहीं जाके पूछे शोरूम में कि भाई गाड़ी बेचनी है नहीं बेचनी। ये तो, हाल है यहाँ। तो बिकॉज ऑफ तारा हम लोग ऑफकोर्स बिजी हो गए हैं, बिकॉज ऑफ दीपक का काम ऑफकोर्स हम बिजी हो गए हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, इन्हें अपनी लाखों की गाड़ी बेचने में कितने बिजी हो गए कि ये अपॉइंटमेंट नहीं दे पा। बात तो सही है। मतलब वही देखो, चलो हमारा समझ अपने यहाँ, तो यार इंसान थोड़ी महंगी गाड़ी खरीद, थोड़ी क्या मतलब कैसी भी गाड़ी खरीदे वो घर आ जाते हैं, चाय बाय दे देते हैं भैया, गाड़ी लेके घर आ जाते हैं लोग। हम टेस्ट ड्राइव कराते हैं यहाँ, तो साला भागे फिर रहे हैं पागलों से, टाइम नहीं है। एक गाड़ी को लेके 3 से 4-5 महीने हो गए हैं यार, इतने दिन में तो लोग घर खरीद कर साइड कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर टेस्ट ड्राइव ऑफकोर्स हमने 2 गाड़ियों के लिए, आपने देख लिया। आज जो है, जो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट है, हम सेंटर में घूम रहे हैं। जरा अभी आपको दिखाते हैं सेंटर में कैसा माहौल है, और वो भी वीक डे पे घूम रहे हैं क्योंकि दीपक को छुट्टी लेनी पड़ी सिर्फ इनसे फॉलो अप करने के लिए कि भाई साहब हमें अपॉइंटमेंट दे दो, बेच दो, हमें टेस्ट ड्राइव करा दो, हमें तुम्हारी लाखों की गाड़ी खरीदनी। वही तो देखो। तो आज कौन सबसे पहले किस पे जा रहे हैं, चलो वहीं दिखाते हैं थोड़ा घुमाते घुमाते। तो ये था हमारा फ्रस्ट्रेशन आज का, जो कि एंड तक भी आपको दिखेगा क्योंकि हम आज 3 शोरूम में जाने वाले हैं। हां होपफुली। Yes. ये सबसे अच्छा एरिया लगता है मुझे यहाँ पर, वो रीजन ये है कि यहाँ पर ज़्यादा है। नहीं वैसे भी सुंदर है, सबसे अमीर ब्रांड्स यहीं पर दिखेंगे आप। हाँ। इस प्लेन में आगे चल के तो जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में है वो जेनेसिस, ये एक कोरियन कंपनी की कार है जो हमें बहुत अच्छी लगी थी। तो अब हम जाके अंदर पता करते हैं। वैसे तो ऑनलाइन जो है वो दिखा रहा था कि इनके पास कार अवेलेबल है, पर ये लोग मेल्स के रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो अंदर जाके देखते हैं कि है या नहीं। Short email. Mm-hmm. What you want to like, then we meet us here. Okay. You give me a date. What you want to like. So at least हमें देखने मिल जाएगी गाड़ी। हाँ वो look and feel थोड़ा समझ आएगा। Next week से। Next week का test drive मिलेगा। They said sorry कि भी mail नहीं reply कर रहे। They still go with this कि आप भैया इनके पास आओ। और फिर अपॉइंटमेंट लो। चलो मैं आपको दिखा, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी बल्कि और काफ़ी अच्छी है।
काफी अच्छी है देखने में, क्यों दीपा? हाँ, मुझे तो बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है अंदर बैठ के। यह कॉफी वाला एरिया, इसमें दीपक कॉफी रखेगा, इसमें मैं पहले ही बोल देती हूँ इसमें मैं रखूंगी, इसलिए तुम्हारा ये है कुछ यहाँ पर चार्जर है, यहाँ पर चार्जर है। ये क्या है? ये वो है अपना गियर शिफ्टर है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव। पता नहीं कभी इलेक्ट्रिक गाड़ी इसको दबा के नहीं, ये तो नॉर्मल गाड़ी में भी ऐसे ही होता है, ऑटोमेटिक है ना ये। ड्राइव करना है तो बस ये ड्राइव पे डाल के चलाओ, पार्क करना है पार्क दबा दो। ये शायद मोड होगा, स्पोर्ट्स मोड या डिफरेंट मोड। क्रिस्टल नॉब है मैंने तो देख ली गाड़ी, टेस्ट ड्राइव जो है वो नेक्स्ट वीक लेंगे तो तब अच्छे से दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसलिए चार्जिंग पे लगा रखी है। तो प्राइस है कुछ 68,400। फील कैसा आ रहा? अच्छा फील आ रहा। अच्छा है, काफी बड़ी गाड़ी है, भारी भरकम। देखो दीपक कह रहा है कि इसमें पोर्शे वाला फील है। हाँ, पोर्शे टाइप का, पोर्शे वाला जो गाड़ी है, पोर्शे मकान वगैरह वैसा लुक है। जो प्राइस है सब टैक्स वैक्स मिला के वो 70 लाख कुछ का है। तो फाइनली हमें नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट मिल गई है, और वो भी इसलिए मिली है क्योंकि मैं ऑफ कोर्स रिकॉर्ड कर रही थी, तो वो बोलने लगा मुझसे जो सेल्स पर्सन है, हैप्पी रिकॉर्डिंग। तो मैंने उसको बोल दिया आई विल ऑल्सो शो माई फ्रस्ट्रेशन कि यहाँ पर हमको गाड़ी खरीदने के लिए हम रेडी हैं, पर आप लोग हमें अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हो टेस्ट ड्राइव के लिए। तुरंत बुक किया तुरंत। नहीं, पहले उसका पहले वो ये बोल रहा था कि यार मैं ना अगले हफ्ते छुट्टी में जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आऊंगा फिर अरेंज कर दूंगा। मतलब उसमें भी उसको लग रहा था अरे ये नेक्स्ट वीक देखेंगे ये वो, वैसा खूब बोल रहा कि आप इंटरेस्टेड हो गाड़ी देख लो सब चेक कर लो, लेकिन ना अपॉइंटमेंट मेरी छुट्टी के बाद करेंगे। फिर सुरभी ने बोला हम तो फ्रस्ट्रेटेड हो गए, तो बोलता ठीक है अभी कर देता हूँ बुक। अभी किए लेकिन 2 वीक बाद की अपॉइंटमेंट, लेकिन कर तो दी ना। चलो आप चलते हैं मर्सिडीज। हाँ मर्सिडीज देख कर आते हैं यहाँ पर है कि नहीं। बहुत सारी गाड़ियों के शोरूम्स हैं जिनके कुछ नाम तो आपने सुने होंगे, जैसे मर्सिडीज बैन हो गया, कुप्रा शायद नहीं सुना होगा, यहाँ आगे ल्यूसिड है, पूरा स्ट्रीट है ना इस पे यही सब है। सो आई डोंट नो कुप्रा ब्रांड आपने सुना है या नहीं, पर कुप्रा की गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने जितनी भी देखी वो भी देख ही लेते हैं। पर ये भी अच्छी है। सिटीज में वो गाड़ी नहीं थी जो हमें देखनी थी, अब कहाँ जा रहे हैं? ऑडी। ऑडी तो ऑडी के उसमें जाएंगे, दूसरी जगह जाना होगा ना? हाँ वो दूसरी जगह है उनका शोरूम। ओके, अभी लेकिन यहाँ दिखाते हैं कुछ तो चल रहा है, काफी म्यूजिक म्यूजिक की आवाज आ रही होगी। रुको हाँ कुछ तो चल रहा है। आप यहाँ आओ तो ये जरूर खाने, बहुत टेस्टी होती है और ये गर्मी देती है। फ्राइडे है तो हम कितने 3 घंटे में सिर्फ एक गाड़ी को बुक कर पाए। पूरा दिन ऐसे ही निकल रहा है हमारा। ऑडी पे पहुंच गए हैं। एक तो ये वाला, ये देखना है? नहीं नहीं वो देखनी है, A5, ये S5 है, A5 देखनी है और Q3। वो जो कलर है वो अच्छा है, वो तो बहुत महंगी है, Q8 है। तुम कौन से देखने आए? छोटी वाली वो नहीं तो बहुत महंगी है। ऑडी महंगी है चाहे छोटी हो चाहे बड़ी।
वाली चॉइस करिए A5, प्राइस 73,000 है, ऑलमोस्ट वही 70 लाख। 23 ये सबसे ज़्यादा मतलब मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, ये 70,000 से स्टार्ट है, 90,000 यूरो। ट्राई कर रहे हैं, कोई आया भी नहीं है, मतलब ही नहीं, कोई सेल्स पर्सन नहीं आया, खुद ही देख लो। मुझे नहीं लगता ये अपॉइंटमेंट भी देने वाले हैं इनकी तो, और इनके पास शायद होगा ही नहीं, ऑडी वालों के तो और ही दिक्कत है। अभी हम लोग ना A5 में बैठे हुए हैं और ये सेडान है। हम लोग मतलब प्रेफर करते हैं कि हम थोड़ी SUV टाइप की गाड़ी लें, पर ये जो है ये काफ़ी अच्छी दिख रही है। बैठने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा है कि नीचे हो गए, क्योंकि जनरली मुझे सेडान में ऐसा लगता है कि यार इतना कंफर्टेबल नहीं है, पर ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ऑडी को ऐसे ही ऑडी नहीं बोलते, फील आ रहा है कुछ अच्छा सा फील आ रहा है, हर गाड़ी में बैठ के एक अलग ही फील आ रहा है। एक दीपक वो वाली पे और ट्राई करते हैं, ओपन वाली। सबसे महंगी गाड़ी अभी तक यहाँ जितनी भी दिख रही है, ऑलमोस्ट 2 करोड़। सो दैट वॉज फास्ट। नेक्स्ट मंडे को मतलब 2 दिन बाद की ही अपॉइंटमेंट दे दी इन्होंने। हाँ यार, मतलब यहाँ पे सिस्टम आप समझ आया कि आप शोरूम ही जाओ, ऑनलाइन कुछ काम नहीं होता यहाँ पर। अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट और जो भी वेबसाइट के उसमें ये लोग नहीं पढ़ते, आई थिंक ईमेल भी नहीं चेक करते होंगे, वही प्रॉब्लम। अब एक बची हुई है बस मर्सिडीज CLS, जिसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। जो ये मतलब मर्सिडीज मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि अंदर से बहुत ज्यादा लग्जरियस प्रीमियम फील आता है, वो देखनी है वो उधर। चलो वो जो लिखा हुआ है जिस पर, चलो मैंने लिम्बोर्गिनी की गाड़ी कैसी होती है वो ही नहीं देखी, कम से कम देख ही लेते। नहीं मतलब मैंने नहीं देखी ध्यान से, क्योंकि मुझे लगता था ये दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है और ये देखना भी जो है उसके पैसे लग जाएंगे, तो मैंने नहीं देखी थी आज तक, आज देखूंगी। वैसे होती है क्या महंगी बहुत लिम्बोर्गिनी? महंगी है पोर्शे सबसे। तो ये वाली गाड़ी जो है वो पीछे दिख रही है, ये सेलिब्रिटीज खरीद रहे हैं आजकल। कितने की होगी वो इंडिया में? यार मुझे ऐसा तो याद नहीं, देखना पड़ेगा ऑनलाइन, पर 2-4 करोड़ की तो होगी। इंडिया में है ओनली 4.2 करोड़। 4.2 करोड़, सही बोला। तो ये था गाइस फ्रस्ट्रेशन, 2 गाड़ियों के अपॉइंटमेंट बुक हो गए हैं नेक्स्ट वीक के लिए, एक तो इसी वीक के लिए और एक उसके नेक्स्ट वीक के लिए, और इसमें हमारा पूरा दिन चला गया है। ऑडी का दीपक कब है अवेलेबिलिटी पूछा तुमने? जो A5 है उसकी है 2-3 महीने में, और Q3 की है 6 महीने सॉरी। और जो हम जेनेसिस में गए थे उसमें कुछ गाड़ियां जो हैं वो 6 वीक में है और कुछ 6 महीने में। तो ये था आज का दिन, जो इसमें ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि हम कैसे भटक रहे हैं सिर्फ 70-75 लाख की गाड़ियां लेने के लिए। बट अभी हमें और दूसरी गाड़ी भी बुक करनी है, जो कि है मर्सिडीज एंड ऑडी, है ना? ऑडी तो कर ली, मर्सिडीज बुक नहीं करनी है, मतलब टेस्ट ड्राइव लेनी है। हाँ हाँ वही टेस्ट ड्राइव, BMW की और मर्सिडीज बुक ही कर देंगे, जो भी लेंगे वो बुक करेंगे और क्या। मर्सिडीज अभी BMW की भी कहाँ की है, BMW की भी क्या। तो अब जब टेस्ट ड्राइव करेंगे तो देखेंगे, थोड़े बड़े क्लिप लगाएंगे। बट हाँ, आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम जाते हैं घर और अब अपने दूसरे काम भी कंप्लीट करेंगे, इनके काम तो हमने कर लिए ना कंप्लीट। अब हम अपने काम कंप्लीट करेंगे। बाय।